तो देखिए ताली दो हाथ से बजती है, ताली दो हाथ से बजती है। उन्होंने उनका भी एक काम था, एक फर्ज था कि उन्होंने एक लेटर लिखना था अबू आसिम साहब को कि हम यहाँ हम यूटी में हैं और हमारा कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। मराठवाड़े में आपके जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता है आप उनको मैसेज दे दो, हम सपोर्ट करते थे, हम क्यों उतरते थे चुनाव में। मतलब आपका ये बोलना है कि आपने जैसे आपने साफ अल्फाजों में कहा कि मिनिस्टर ही नहीं मिलने की वजह से आप उतरे हैं मैदान में। बिल्कुल की लड़ाई है किससे आपकी पूरी 34 से है मेरी। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगा जो 34 उम्मीदवार है, मैं 35वां हूँ। मैं 34 उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं डरने की कोई बात नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं 34 उम्मीदवारों के खिलाफ खड़ा हूँ। जातिवाद को नहीं मानते हम, जात पात का राजकारण नहीं करते। जात पात की बात ही नहीं है अभी तो, ये शिक्षण की बात चल रही है, आप जातिवाद में चले गए। जातिवाद का तो मसला ही नहीं आ रहा है अब्दुल रऊफ साहब जी। खाने के दांत है किसके, बताने के दांत है किसकी तरफ। दो साल पहले औरंगाबाद में वैशाला फसाद हुआ था, एक ही समाज के लोगों को टारगेट किया गया था। उस वक्त अबू आसिम आजमी चीते के तरह दौड़ते हुए औरंगाबाद आके जो लोग हैं उनके सर के ऊपर हाथ रखा, उनको मदद की, हुकूमत से उन्होंने लड़ा। कहाँ थे ये कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोग, कहाँ थे ये MIM के लोग, कहाँ थे ये लोग, MIM के लोग तो यहीं थे। कहाँ थे, मदद किसने की, अबू आसिम ने की आके। तो किसने दुकानें किसने मना कर दी, अबू आसिम ने मदद की उन लोगों को, वो तो बाद में की, अबू आसिम आने के बाद जलील ने दुकानें मना कर दी, अबू आसिम आके जाने के बाद। पहले आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। आने वाले 1 तारीख यानी 1 दिसंबर को पूरे मराठवाड़ा का जो है इलेक्शन होने जा रहा है, पदवीधर मतदार संघ का जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये इलेक्शन ना ही खासदार है, ना ही आमदार का इलेक्शन है, ना ही नगर सेवक, ना ही गली का इलेक्शन है। ये जो इलेक्शन है ये एजुकेशन की तरफ माइल करता है, वहाँ के बहुत ही बड़ा एक अहम मुद्दा है, लोगों को जनता के साथ जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। और इसके अंदर कैंडिडेट जो है 35 है, 3.5 लाख इसकी वोटिंग है। अब 35 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, अब्दुल रऊफ साहब, जो समाजवादी पार्टी से लेकर जो है मैदान में उतरे हैं। सर वेलकम है आपका, आप औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर आए हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर क्या उद्देश्य लेकर आप मैदान में उतर रहे हैं? देखिए उम्मीदवार तो 35 हैं आपके सामने जी, मैदान बड़ा है जी, वोट बड़े हैं जी, 3.5 लाख वोटिंग है। ऐसे समझिए कि खासदार के इलेक्शन में जिस वक्त एक हंगामा मचा था उस वक्त की ये हंगामा है, 3.5 लाख वोटिंग है। अब्दुल रऊफ साहब को क्या ऐसी एक लेकर आप मैदान में उतर रहे अब्दुल रऊफ साहब के लोगों तक के जो एजुकेशन वाले लोग हैं उनको फायदा हो सकता है? देखिए सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे नेता माननीय आमदार अबू आसिम आजमी साहब ने मुझे लड़ने के लिए कहा, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और दूसरी बात यह है, मेरा लड़ने का मकसद ये है कि अभी तक ख़ास तौर से माइनॉरिटी के लोग ये चुनाव लड़ने से डरते थे, लेकिन मैं जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं, निकल कर देख मुसाफिर रास्ते में, मुसाफिर का रास्ते इंतज़ार करते हैं, ये अज़्म लेके मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरा वोटर पूरे मराठवाड़े में एक एक जगह है, हर देहात में, हर तालुके में, हर शहर की जगह मेरा वोटर है। मैं ये चुनाव रिप्रेजेंट कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी को और एक मैसेज दे रहा हूँ जनता को कि समाजवादी पार्टी भी सक्षम है, समाजवादी पार्टी के पास उम्मीदवार भी है और समाजवादी पार्टी ने क्यों ना इलेक्शन लड़ना चाहिए। साहब जी, समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, इनका ना एक कॉर्पोरेटर है बल्कि पूरे मराठवाड़ा में इनके कोई ना एक बार कॉर्पोरेट आता है, कैसे अपने इतने बड़े इलेक्शन में मैदान में उतर चुके हैं साहब? देखिए वो ठीक बात है, आज हमारे पास संगठन है मराठवाड़े में, मेरा हमारे पार्टी का हर जगह संगठन है, औरंगाबाद में है, जालना में है, परभनी में है, नांदेड़ में है, लातूर में है, हिंगोली में है, उस्मानाबाद में है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हमारा संगठन नहीं है। ये और बात है कि नगर सेवक और आमदार खासदार नहीं है मराठवाड़ा के अंदर, वो बात दुरुस्त है, लेकिन हमारे पार्टी का संगठन मजबूत तरीके से है और अच्छे लोग संगठन में है, ये हमारी ताकत है। और उसके अलावा पार्टी के अंदर सबसे बड़ा नाम महाराष्ट्र के राजनीति में और खास तौर से मराठवाड़ा के अंदर अबू आसिम आजमी का नाम चलता है। सब ठीक है, अबू आसिम साहब की जब बात होती है, बड़े लेवल की बात चल रही है, तो एक बड़ा सवाल आपसे मैं कर दूं जी कि जिस वक्त आपने MLA का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस और राष्ट्रवादी से मिलकर आपने जो है इलेक्शन लड़ा जी, औरंगाबाद शहर के अंदर आपने समर्थन किया जी, तो आखिर क्या बात हो गई अब्दुल रऊफ साहब कि आप जो है मैदान में कांग्रेस के और राष्ट्रवादी और शिवसेना के खिलाफ? मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप यही सवाल
हमारे महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता जिनके देश के राजनीति में बहुत बड़ा नाम चलता है, आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, जो इस देश के माजी संरक्षण मंत्री है, इस स्टेट के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके, अभी फिलहाल खासदार है और राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता है, आप उनसे कीजिए। और महाराष्ट्र के दो माजी मुख्यमंत्री माननीय पृथ्वीराज चव्हाण साहब, माननीय अशोकराव चव्हाण साहब, आप ये सवाल उनसे कीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहब और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा साहब से कीजिए। महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष आदरणीय बाळासाहेब थोरात साहब से ये सवाल कीजिए कि आघाड़ी सरकार में अबू आसिम साहब की पार्टी आपको सपोर्ट करती है और आप अबू आसिम साहब को मिनिस्ट्री नहीं देते, जबकि वो दो आमदार हैं उनके पास और आपने एक आमदार जो शख्स है उनको मिनिस्ट्री दी है। अब्दुल रऊफ साहब, तो मतलब अबू आसिम साहब को मिनिस्ट्री नहीं देने की वजह तो ये है कि आप उनको मतलब सीट गिराने के लिए खड़े हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, सीट ऐसा कुछ समझे? नहीं, ऐसा कुछ भी, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, सीट उनके गिरने और हारने की परवाह हमको नहीं है। हम क्या समझे, गठबंधन खत्म हो गया आपका? नहीं, ये भी बात नहीं है, हम हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जी, हम हमारा रिप्रेजेंटेशन करना नहीं क्या? नहीं, अगर हाँ, अगर गठबंधन में है तो देखिए, ताली दो हाथ से बचती है, ताली दो हाथ से बचती है। उनका भी एक काम था, एक फर्ज था कि उन्होंने एक लेटर लिखा था अबू आसिम साहब को कि हम यहाँ हम यूटी में है और हमारा कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, मराठवाड़े में आपके जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता है आप उनको मैसेज दे दो, हम सपोर्ट करते थे, हम क्यों उतरते थे चुनाव में। मतलब आपका ये बोलना है कि आपने, जैसे आपने साफ अल्फाजों में कहा कि मिनिस्ट्री नहीं मिलने की वजह से आप उतरे हैं मैदान में? बिल्कुल। और दूसरी एक बात जी, अगर हम यूटी में है तो यूटी का एक तरीका रहता है जी, कि अगर कुछ ऐसी इलेक्शन लड़ते हैं यूटी में जी, तो जितने भी यूटी में पार्टियां हैं उनके महाराष्ट्र के अध्यक्ष को लेटर लिखा जाता जी, कि भाई हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, आपके जो भी पदाधिकारी है, जो भी आपके संगठन के लोग हैं, उनको हमको कांटेक्ट करने तो के लिए बोलिए। आपकी पार्टी की तरफ से आप लोगों ने कोई, हम कैसे जाएंगे? अरे भाई, बाराती वो है, उन्होंने इनवाइट करना हमको, गठबंधन में आप भी तो है, गठबंधन में हम कैसे जाएंगे? उन्होंने बगैर इन्वाइट करे के, मतलब देखो मानते अपने आप खुद से नहीं जाएंगे? नहीं, उन्होंने बुलाना चाहिए हमको, उन्होंने उनका उम्मीदवार पिछले दो टर्म से है यहाँ पे, 12 साल से राष्ट्रवादी का उम्मीदवार है मराठवाड़ा के अंदर जी हाँ। और वो चुनाव लड़ना है उनका तय था जी, तो ये उनका काम था ना, राष्ट्रवादी का उम्मीदवार है यहाँ पर जी, तो उन्होंने लेटर लिखना था, जितने भी जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को लिया साथ में, शिवसेना को साथ में लिया, तो वैसा ही हमको लेना था साथ में, हम उनके सरकार नहीं आया कुछ भी नहीं। हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष साहब से मैंने पूछा, आखिरी के दिन भी मैंने पूछा कि किसी का अप्रोच है, उन्होंने बोले हमारे पास कोई लेटर इनका आया नहीं है। अच्छा, तो इसलिए मैं उतरा हूँ। पदवीदार इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसके लिए क्या योजनाएं हैं अब्दुल रऊफ साहब आपके पास में? देखिए, सबसे पहले तो मैं माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको जो इस एजुकेशन में फैसिलिटीज मिलना चाहिए वो मिलती नहीं है। माइनॉरिटी के स्टूडेंट के लिए काफ़ी स्कीम्स है लेकिन वो माइनॉरिटी के स्टूडेंट तक पहुँचती नहीं है, माइनॉरिटी की सेपरेट मिनिस्ट्री है। मैं जो चुनाव में उतरा हूँ ये बेनिफिट्स मैं स्टूडेंट को दिलाऊंगा। दूसरी बात ये है, आज हर समाज का सुशिक्षित बेकार है, मराठवाड़ा में काफ़ी ज़्यादा तादाद है, ज़्यादातर यहाँ किसानों के बच्चे हैं, खेड़े देहातों में तालुके में जो रहने वाले, खेती के ऊपर इनका काम चलता है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, तो इनको कोई सपोर्ट नहीं है, आधार नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो ग्रेजुएट बच्चे हैं इनको सुशिक्षित बेरोजगार का भत्ता जो है 5,000 रुपये महाना मिलना चाहिए। दूसरा, इनको जो लोन मिलना चाहिए सरकार से वो 30% सब्सिडी वाला लोन मिलना चाहिए, चाहे कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई करता है अपना बिजनेस कारोबार के लिए। तीसरा, मैं कन्या योजना चलाने की बात कर रहा हूँ, मैं अगर चुनकर जाऊँगा सबसे पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के नाम से एक कन्या योजना चलाऊँगा, जिसमें जो भी बहन जो भी समाज की रहेगी उसको 10 लाख रुपये का लोन मिलेगा 30% सब्सिडी से। और तीसरा, हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश जी यादव साहब ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, गौर गरीब के बच्चों को उन्होंने 18 लाख लैपटॉप बांटे, मैं कोशिश करूंगा कम से कम 1 लाख तो लैपटॉप में बांटूं गौर गरीब के, आज लैपटॉप की बहुत जरूरत है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगर चुन के जाऊंगा तो गौर गरीब के बच्चों को भी मैं लैपटॉप दिलाने की बात करूंगा। बड़े नेताओं की बात चल रही है तो क्या आपके प्रचार के लिए ऐसा हम उम्मीद रखें कि अबू आसिम साहब औरंगाबाद? मेरी कोशिश जारी है, अगर साहब मुझे अगर वक्त देते हैं तो मैं पूरे इंशाल्लाह ताला पूरे तरीके से मैं अबू आसिम साहब का यहाँ पर लाके प्रचार कराने के लिए मैं पूरा मेरे लिए फायदा लूंगा, मेरे चुनके आने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब्दुल रऊफ साहब, मुझे एक बात ये बताइए, क्यों वोट दे आखिर आपको स्टूडेंट, वोट क्यों दे?
ये बात बहुत अच्छी की आपने। मेरा सवाल, समाजवादी पार्टी का क्या काम है, ऐसा क्या एक बड़ा वो है साहब कि आपको जो वहाँ के लोग वोट दें आपको? देखिए, जहाँ पर भी महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में ही नहीं, महाराष्ट्र के अंदर जहाँ पर भी जुल्म और ज्यादती होती है, जिस समाज के ऊपर भी होती है, तो सबसे पहले कोई भी आदमी ये बोलता है कि अबू आसिम साहब से बात करो, जहाँ पर भी जुल्म और ज्यादती होती है। और अबू आसिम साहब ने हर समाज के लिए काम किया है, गोर गरीब पद दलित और ख़ास तौर से पिछड़ों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, जहाँ पर भी जुल्म और ज्यादती हुई अबू आसिम ने काम किया है। मैं इसीलिए उतरा हूँ कि वो काम का फ़ायदा मैं इस इलेक्शन में लेते हुए लोगों को उनका बेनिफिट दिलाऊंगा चुन के जाने के बाद। ये वजह से मैं उतरा हूँ। दूसरी बात, ये जो लोग हैं जिनके पास सत्ता है, जर जोर सब है, उसके बाद भी ये इनके मखसूस लोगों को बेनिफिट पहुँचाते, जो उनके उनके लिए मतलब चौकीदार के जैसा खड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को बेनिफिट पहुँचाते, हकदार को हक नहीं देते। कई माइनॉरिटी के लोगों को इन्होंने सीनेट मेंबर नहीं बनने दिया, 3 वोट नहीं दिलाए इन्होंने, इनके समाज के 9 वोट मिले थे, 12 वोट से उम्मीदवार चुन के आ रहा। मैं कभी ऐसा भेदभाव का राजकारण नहीं करूँगा, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूँगा, मैं सेकुलर वाली बात करूँगा। और मैं तमाम वोटरों से गुजारिश करता हूँ, अपने वोट की अहमियत को समझो। ये मत समझो कि रऊफ अब्दुल रऊफ जो है किसी को जिताने या किसी के बहकाव में आके खड़ा हुआ है। अब्दुल रऊफ अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और अब्दुल रऊफ की लड़ाई पर्टिकुलर किसी एक या दो कैंडिडेट से नहीं, बल्कि 34 लोगों के खिलाफ अब्दुल रऊफ की लड़ाई है, और मैं चुन के जाऊंगा, ये मुझे उम्मीद है। अब्दुल रऊफ साहब, जब आप लड़ाई की बात हो गई है, तो आपकी डायरेक्ट भिड़त किससे, क्या समझे हम? आप जब कह रहे हैं, मेरे देखे सुनिए, आप राष्ट्रवादी के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं, आप शिवसेना की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ जुल्म होता है अबू आजमी साहब आगे आते हैं। जी हाँ, आपकी लड़ाई है किससे? आपकी पूरी 34 से है। मेरी मैं पर्टिकुलर किसी का नाम ले लूंगा जो 34 उम्मीदवार है, मैं 35वां हूँ, मैं 34 उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं डरने की कोई बात नहीं है, मैं किसी का नाम ले लूंगा, मैं 34 उम्मीदवारों के खिलाफ खड़ा हूँ, और मैं मेरे वोटरों से गुजारिश करूंगा कि मत देख के गुलशन में गुल आए के खाक आए, ये देख के गुलशन में बाहर कैसी आए। अपने वोट को सोच समझ के डालिए, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, जहां तक भी मेरा प्रचार हुआ है, जहां तक भी मेरे लोगों से अप्रोच हो रहा है, सब लोग मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि आपको पहली पसंद का वोट देंगे। साहब मेरी बात सुनिए, मुस्लिम समाज ही के आपके साथ है या दिगर समाज भी आपको? जी नहीं, मैं औरंगाबाद के मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल का देवगिरी कॉलेज का विद्यार्थी हूँ, और मेरे साथ के तमाम दोस्त लोग पूरे मराठवाड़ा में हैं। नॉन मुस्लिम मेरे ज़्यादा है, दलित भाई मेरे ज़्यादा है, मैं सिर्फ मुसलमानों के वोटों पे नहीं खड़ा। मुसलमान तो मुझे वोट देंगे ही देंगे इंशाल्लाह ताला, मेरे कांटेक्ट अच्छे हैं, मेरे रिलेशन अच्छे हैं, और मेरा अप्रोच अच्छा है। मैं गुज़िश्ता 24-25 सालों से अबू आसिम साहब के साथ शाना बशाना, खांधे से खांधा लगाकर पूरे महाराष्ट्र में, खासतौर से पूरे मराठवाड़े में काम कर रहा हूँ। जहाँ पर भी जुल्म और ज्यादती होती है, सबसे पहले अबू आसिम साहब का नाम आता है, हम दौड़ के चले जाते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो ये मेरे को प्लस पॉइंट है। और हम जनता के लिए काम करते हैं, हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम जातिवाद को नहीं मानते, हम जात पात का राजकारण नहीं करते। जात पात की बात ही नहीं है, अभी तो ये शिक्षण की बात चल रही है, आप जातिवाद में चले गए, जातिवाद का तो मसला ही नहीं आ रहा है अब्दुल रऊफ साहब। अभी मेरा ये कहना है, क्या ये ऐसे समझे हम कि आगे महानगर पालिका की प्लानिंग चल रही है आपकी? अभी चाह रहे हैं कि मराठवाड़ा में आपको जो ये सीट लड़ाकर, चलिए आपको जीत अगर मिल जाए तो मुबारकबाद है हमारी तरफ से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप महानगर पालिका के लिए एक जाल बिछा रहे हैं समाज। देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी है, हम हमारा रिप्रेजेंटेशन अगर ये लोग साथ में नहीं लेंगे, तो हम कॉर्पोरेशन में भी हमारा इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और भी दिगर पार्टियों को हम साथ लेंगे। कितने सीटें लाने की चांसेस है, उम्मीद है सर आपसे महानगर पालिका में? हम लड़ाएंगे 50 सीट, और इंशाल्लाह ताला 20 से 25 सीट हमारे आने की चांसेस है इस बार। आपको लग रहा है जिस तरीके से हमारे अप्रोच है दिगर वार्डों में, कई वार्डों में हमारा बहुत अच्छा सर्वे हो चुका है। ऑर्डर नहीं आपके? नहीं है, फिलहाल नहीं है, बिल्कुल। माजी में हमारे 7 कारपोरेटर थे, इसमें उतरेंगे? माजी में हमारे पास 7। देखिए आप
एमआईएम का तो हल्ला बोल है इस वक्त औरंगाबाद। अरे भाई ठीक है, और लेकिन गठबंधन में लड़ रहे हैं तीनों। नहीं नहीं, अगर वो गठबंधन में लड़ते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन में अगर लड़ते हैं, और अगर एमआईएम और वंचित अगर एक हो जाती है या बीएसपी इनके साथ आ जाती है, तो ये पावरफुल पार्टियां लड़ेंगी या वो तो कौन आएगा? वो तो वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। जनता आप समझ चुकी है जी, किसके खाने के दांत है, किसके बताने के दांत है। इसकी तरफ दो साल पहले औरंगाबाद में वैशाला फसाद हुआ था। एक ही समाज के लोगों को टारगेट किया गया था उस वक्त। अब वो आसिम आजमी चीते के तरह दौड़ते हुए औरंगाबाद आके जो लोग हैं उनके सर के ऊपर हाथ रखा, उनको मदद की, हुकूमत से उन्होंने लड़ा। कहां थे ये कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोग? कहां थे ये एमआईएम के लोग? कहां थे ये लोग? एमआईएम के लोग तो यही थे। कहां थे? मदद किसने की? अबू आसिम ने की आके। तो किसने दुकानें किसने मना कर दी? अबू आसिम ने मदद की उन लोगों को। वो तो बाद में की, अबू आसिम आने के बाद। जलील ने दुकानें मना कर दी अबू आसिम आके जाने के बाद। अरे जिस दिन पहले अबू आसिम आजमी साहब आए जी प्लेन से दोपहर में, और आकर सारे जगह पर जाके मायना किया, हुकूमत से बात की, डीजी साहब से बात की, कलेक्टर साहब को मिले, पुलिस कमिश्नर साहब को मिले, सबसे बात की, उसके बाद जाके बाकी पार्टियों के लोगों को होश आया, फिर उन्होंने मदद का काम किया। छोड़िए बहस, कुछ और जगह जा रही है, चलिए अपने काम की बात पर आते हैं। अब हम क्या उम्मीद रखें अब्दुल रऊफ साहब से कि आने वाले वक्तों में एजुकेशन की तरफ क्या जनता के, गरीब के जो बच्चे हैं, चल छोड़िए साहब, अभी तो हमने देखा है कि जितने लीडर हैं ये लोग करते हैं महानगर पालिका के स्कूलों की बात, ये लोग करते हैं उर्दू स्कूलों की बात, ये करते हैं महानगर पालिका की तरफ से फंड लाएंगे, लेकिन इनके बच्चे जो है इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रहे हैं साहब, ये तो आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से। कॉर्पोरेटर के बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रहे हैं, एमएलए के बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रहे हैं, खासदार आमदार के बच्चे स्कूल इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रहे हैं, फिर गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा साहब? गरीब के बच्चे को तो महानगर पालिका के स्कूल की बात कर रहे हैं हम, तो वो बात करेंगे, तो आप बताइए कि हम अब्दुल रऊफ साहब से उम्मीद रखते हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, हमारे राष्ट्रीय नेता जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के 2012 से लेकर 2017 तक, उन्होंने गरीब के बच्चों को लैपटॉप दिलाया, एक कन्या योजना चलाई, गरीब के लड़के को लोन दिया, गरीब के लड़के को जो है तो एक हाथ में उनका 12th पास का सर्टिफिकेट रहता था, और कलेक्टर को ये आदेश दिया था उन्होंने कि जिसके भी पास 12th पास का सर्टिफिकेट है उनको इंतज़ामिया के तरफ से 10,000 का उनको बेनिफिट दिया जाए। ऐसे कई स्कीम जो है तो उन्होंने चलाए। उसी बिना पर मैं यहाँ पर गौर गरीब के बच्चों के लिए बहुत मेरे पास योजनाएं मैंने बनाया हूं। एक एग्जांपल मेरे पास है, आज जो हमारे रईस साहब जो आमदार है भिवंडी से, वो जब मदन गोंडी में जब नगर सेवक थे तो गोंडी में कॉरपोरेशन की स्कूल डिजिटल थी, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाता था, ये हमारे कॉरपोरेटर साहब ने किए। अगर मैं एमएलसी बनता हूँ ग्रेजुएट लोगों का, मैं इससे भी आगे एक कदम और हमारे रईस साहब से बात करूंगा, आमदार अबू आसिम साहब की राय मशवरे से हम और भी कुछ अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे। आपका एजुकेशन क्या है सर? मैं एमकॉम हूं, जीडी एंड सीए हूं, मेरा जो है तो मैं सर्टिफाइड ऑडिटर भी हूं, और मैं हमेशा एजुकेशन के ताल्लुक से बच्चों को मोटिवेट करने की पूरी मैं कोशिश करता हूं। साहब 1,00,000 का वादा किया है आपने, 1,00,000 लैपटॉप बांटने। मैं कोशिश करूंगा, मैं जीत कर आते 1,00,000 लैपटॉप बांटूंगा। हाँ इंशाल्लाह बांटूंगा 1,00,000। अभी आपने जो है तो वादा कर दिया है सब। बिल्कुल बांटूंगा इंशाल्लाह 1,00,000। अब्दुल रऊफ साहब जो उम्मीदवार हैं इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत सर, एक बात तो सबसे तय समझ में आई, बहुत टैलेंट है सर आपके अंदर, बात का जवाब आपने बहुत अच्छे से दिया, पढ़े लिखे हैं, और एक अब्दुल रऊफ साहब से बात करके बात समझ में आई, जैसे इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मैदान में है, अगर ये कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रवादी या कांग्रेस अगर इनको लेटर भेजते तो कहीं ना कहीं ये बात रुकती और ये भी समर्थन में उनके साथ खड़े होते। चलिए देखते हैं आने वाले 1 दिसंबर को इलेक्शन होना है, किसकी जीत होती है, कौन कौन और जो है हम और देखते हैं, कैंडिडेट से बात करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन ज़ियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।